तो फाइनली कठुआ में जश्न शुरू हो चुका है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय 98,000 की लीड ले चुके हैं और एक अनबीटेबल आप ये कहे कि इस समय पोजीशन में है, लगभग उनकी जीत तय है। और इसी के चलते अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो देखिए कठुआ में जश्न मनाते हुए यहाँ पर ढोल की थाप पर नाच गाकर पटाखे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। वो देखिए पटाखे वहां पर फोड़े जा रहे हैं और जश्न इस समय यहाँ पर बनता हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो काउंटिंग सेंटर है अब उसके बाहर पहुंचे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो 98,000 से ज्यादा की उनकी लीड हो चुकी है और उसके बाद इनके कार्यकर्ता देखिए गाड़ियों पर झंडे लगाकर यहाँ पर पहुंचे हैं और डीजे भी अब यहाँ पर गाड़ियों में बजाया जा रहा है, लाउड स्पीकर यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखिए आप गाड़ियों पर झंडे इस समय लगाकर जो है वो कार्यकर्ता अब बीजेपी के ये देखिए पटाखे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो इस लोकसभा चुनाव में तीसरी बार विजयी हुए हैं। और फिलहाल आपको मैं ये जश्न की तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूँ कठुआ से, जहां पर कि बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में जश्न इस समय मनाते हुए देखिए कठुआ की तस्वीरें हैं और आतिशबाजी की जा रही है ये देखिए इस समय, क्योंकि जो लीड है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वो 98,000 से ऊपर हो चुकी है। और ये देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जश्न मनाया जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने एक अभय लीड जो है वो ले ली है और फिलहाल जश्न यहाँ पर बनता हुआ। नोवा राउंड जो है वो चल रहा है और काफी ज्यादा आप कहें कि अब अजय बढ़त डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिल चुकी है और इसीलिए टोल और पटाखे यहां पर अब चलाए जा रहे हैं। देखिए जश्न की ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो 98,000 का उनका लीड था, हालांकि फ्लक्चुएशन इसमें जरूर है, इस समय 95,000 शो किया जा रहा है, लेकिन जश्न जो है उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर शुरू कर दिया गया है क्योंकि अब ज्यादा फेसेस नहीं बचे हैं और ज्यादा बदलाव की कोई भी उम्मीद नहीं है। देखिए इस समय गाड़ियां बीजेपी के झंडे देखेंगे आप यहां पर, ये देखिए गाड़ियों के ऊपर बीजेपी के झंडे जो है वो लगाकर इनके कार्यकर्ता जो है वो काउंटिंग सेंटर के बाहर आए हैं। पुलिस हालांकि पूरी तरह से मुस्तैद है, ये देखिए आप पीछे पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए और आगे जश्न इस समय मनाते हुए ये देखिए नाचते हुए इनके समर्थक। मौका है क्योंकि एक अभय लीड जो है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस समय हासिल कर ली है। हालांकि पहले 98,000 शो हो रही थी, अब 95,000 के करीब है, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहां से इरिवर्सिबल स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं जीत लगभग तय है डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। और चौधरी लाल सिंह की बात करें तो उनके समर्थक कहीं ना कहीं यहां से अब निकलते हुए भी दिखे। ये पटाखे आप देख रहे हैं इस समय, देखिए आप इस समय ये पटाखे चलाए जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए यहां पर डांस, नाच कर यहां पर खुशी व्यक्त की जा रही है। देखिए फिलहाल यहां से जो बैरिकेडिंग की गई है कर रहे तो है
नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है और जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता तो देखिए फिलहाल यहाँ से जश्न की तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ इस बैरिकेडिंग से अगर आप बाहर जाते हैं तो दोबारा से एंट्री जो है वो संभव नहीं है, इसलिए हम आपको जो तस्वीरें हैं वो यहीं से दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी काउंटिंग में कुछ एक्सरसाइज कुछ समय अभी शेष है। जश्न अभी कठुआ में शुरू हो चुका है। उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट पर चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच एक कड़ा मुकाबला एक्सपेक्टेड था, कांटे की टक्कर एक्सपेक्टेड थी, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहीं ना कहीं इसमें अब जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। इस समय 96,659 लीड, और जिस हिसाब से फेस समाप्त हो रहे हैं उसी हिसाब से जीत पर अब अंतिम मोहर लगती जा रही है। तो विक्ट्री कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की आप ये कहें कि अनऑफिशियली, और इस पर अब जश्न ढोल धूमधाम के साथ क्या कहेंगे सर? आज सारा उधमपुर डोडा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोग खुशी से झूम रहे हैं, और जो डॉक्टर साहब की तीसरी बार उधमपुर डोडा के लोगों ने उनको दोबारा दिल्ली में भेजा है, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर का जो हर जन मानस है वो पूरे भारत के साथ है, और इसके साथ साथ सत्य की जीत हुई है। डॉक्टर साहब के जो विकास कार्य किए हैं उनकी जीत हुई है। जो उपद्रवी ताकतें जो जनता को भ्रमित कर रही थी आज सीधा सीधा दर्शा दिया है कि हमेशा सुशासन की जीत होती है और सत्य की जीत होती है। देखिए उनके जो दावे थे वो पिछली बार की तरह और उसकी पिछली बार की तरह धराशायी हो गए हैं, और उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमेशा सत्य के साथ जनता है, और जनता जो है वो ईमानदार व्यक्ति को ही चुनना पसंद करती है। देखिए यहाँ पर बीजेपी सपोर्टर्स जो है वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो अपोजिशन कैंडिडेट्स के दावे थे वो धराशायी हो चुके हैं, और जनता केवल ईमानदार कैंडिडेट को ही चुनना पसंद करती है। तो जश्न इस समय यहाँ पर होता हुआ देखिए फिलहाल ढोल यहाँ पर और जश्न। कार्यकर्ता जो है वो काउंटिंग सेंटर के बाहर अब इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। पुलिस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखती हुई खुद एसएसपी कठुआ यहाँ पर मौजूद है, और काउंटिंग सेंटर के बिल्कुल आगे जो एक बाउंड्री देखिए महिला कार्यकर्ताएं जो है वो भी यहां पर अब देखिए महिला कार्यकर्ताएं जो है वो भी यहां जश्न में अब खुलकर बाहर आ रही हैं, लड्डू एक दूसरे को खिलाए जा रहे हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, मुंह मीठा करवाया जा रहा है। मैं कुणाल से कहूंगा कि थोड़ा आपको जूम करके दिखाइए, देखिए आप ये देखिए आप को मुंह मीठा करवाती हुई महिला कार्यकर्ता लड्डू एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं गले मिलकर, ये देखिए एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है, और बीजेपी के झंडे गाड़ियों पर लगाकर इस समय
डीजे सड़कों पर बजता हुआ जश्न कहीं ना कहीं इस समय जम्मू में, और महिला कार्यकर्ता जो है वो एक दूसरे को क्या कहना चाहेंगे आज के ऐसे मौके पर, क्या कहना चाहेंगे जीत पर? हमें बहुत खुशी मिली, हमारा डॉक्टर साहब बंपर वोटिंग लेके जीते हैं। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। हमें जितने भी हमारे कठुआ के देशवासी हैं, हमारे भाई हैं, मेरी बहने देखना कैसे लड्डू मिठाइयां बांट के सर का, अभी आने वाले सर का वेलकम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी जता रहे हैं अपने डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो भी काफी उत्सुक हैं और यही कह रहा है कि एक बड़ी बंपर लीड के साथ वो जीते हैं और ये जीत कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में, हम ये जो डॉक्टर साहब ने काम किए बहुत अच्छे काम किया, हमारे गरीबों का मसीहा है। ये जो जीत है ये मोदी साहब की जीत है, मोदी साहब जिंदाबाद। खुशी कहीं ना कहीं साफ झलकती हुई इस समय। मैं आपको दिखा दूं कि वो सामने जो है वो काउंटिंग सेंटर है और ये पूरा एरिया जो है ये एरिया सील्ड है, यहाँ के अंदर एंट्री नहीं है। और इससे आगे जो बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ के आगे जो है वो लोग जश्न मना रहे हैं, यानी कि जो नियम कानून निर्धारित किए गए थे उनका बाकायदा यहाँ पर पालन किया जा रहा है और इसके आगे जश्न बनता हुआ। इसीलिए हमने आपको आगे से जाकर ज्यादा क्लोज व्यू नहीं दिखाया क्योंकि हमें अभी काउंटिंग सेंटर में वापिस जाना है और अगर हम इस बाउंड्री से आगे जाते हैं तो जाहिर सी बात है री एंट्री का एक बड़ा इश्यू हो जाएगा। और क्योंकि आप तक पल पल की अपडेट पहुंचानी है काउंटिंग से जुड़ी हुई, तो इसीलिए हमारा इसी सीमा में रहना फिलहाल के लिए जरूरी था। लेकिन जश्न जो है, मैं एक बार फिर से आपको आगे से दिखा देता हूं कि जबरदस्त इस समय जश्न यहां पर बनता हुआ। ये देखिए, आपको यहां से भी विजुअल दिख रहे होंगे कि ये भांगड़ा इस समय चलता हुआ यहां पर। तो जश्न इस समय चलता हुआ यहां पर और फिलहाल के लिए जश्न के बीच यही अपडेट है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगभग 96,000 की लीड के साथ इस समय जीत की ओर अग्रसर है और चौधरी लाल सिंह कहीं ना कहीं जो उनके दावे थे वो शायद इस बार भी सही तरह से प्रूव नहीं हो पाए और असलियत से वाबस्ता नहीं हो पाए। तो अभी फिलहाल शायद 8वां या 9वां राउंड जो है वो काउंटिंग का चल रहा है, 2 या 3 राउंड और बचे हैं जिनमें की महज कुछ औपचारिकताएं ही बाकी है और कहीं ना कहीं जीत जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पक्की है। जम्मू की बात करें तो जुगल किशोर शर्मा भी लगभग 1,30,000 के मार्जिन से जीत चुके हैं और जम्मू में भी जो है वो जश्न मनाए जा रहे हैं और बैक टू बैक का ये कठुआ से मैंने आपको लाइव दिखाया जहां पर कि जश्न इस समय बनाया जा रहा है। तो बीजेपी ने इन लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 2 सीटें जम्मू और उधमपुर की वो अपने झोले में डाल ली है, वो जीत ली है। और श्रीनगर की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वहां पर हारे हैं, इंजीनियर राशिद आजाद उम्मीदवार और मियां अल्ताफ फिलहाल जीत चुके हैं जबकि एनसी के आगा सईद भी लगभग जीत चुके हैं। तो नतीजे जम्मू कश्मीर के तमाम लोकसभा सीटों के पूरी तरह से साफ है और लद्दाख की बात करेंगे तो वहां पर आजाद उम्मीदवार जीते हैं जो कि किसी भी दल के साथ शामिल हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनावों का परिणाम जो है वो लगभग पूरी तरह से साफ हो चुका है कि 2 सीटें बीजेपी के पास और 1 सीट जो है वो आजाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद के पास और 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, जबकि पीडीपी और कांग्रेस के हाथ इस बार खाली रहे हैं। नमस्कार।